slapping the bass on the track on my face in the back like I'm taking a slap. I need a drink. हाय गाइस, हमने एक और न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ और आज की वीडियो में कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। वो अनाउंसमेंट बहुत बड़ा है, मतलब कि मेरे लिए बड़ा है, आप लोगों के लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मैं बताऊँगा कि अनाउंसमेंट मैं क्यों कर रहा हूँ और ये क्या है। तो गाइस मैं सब बता दूँ कि मैं जो अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ वो है कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज करने जा रहा हूँ, और ऐसा क्यों है और मैं क्या रखूँगा वो मैं आपको सब बताऊँगा, और बस मेरे वीडियो में बने रहिए। तो गाइस सबसे बड़ा बात है कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज करके रखूँगा क्या। तो गाइस मैं अपने चैनल का नाम चेंज करके रखूँगा ये। तो गाइस ये वीडियो मैं स्पेशली इसी चीज़ के लिए बना रहा हूँ कि भाई मेरा नाम है उसे प्रोनाउंस सही तरीके से कैसे करते, क्योंकि भाई मेरा जो पुराना नाम था वो सबसे पहले तो बहुत बोरिंग सा नाम था। उसे छोड़ो, मैं वो कारण बताऊँगा कि और मेरे चेंज करने के क्या कारण थे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मेरे चैनल का ये नाम इसे प्रोनाउंस करेंगे देव जी बॉक्स गेमिंग, जेड नहीं है ये और ना ही जी है, जी बॉक्स गेमिंग। और मैं सबसे पहले यही क्लियर कर देता हूँ कि भाई मेरे इस चैनल के नाम का जी टी वी से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। तो भाई आप लोग इससे रिलेट करना तो बिल्कुल छोड़ ही दो। तो मैं बता देता हूँ कि मैंने ये चेंज किस लिए करने के लिए सोचा। सबसे पहले तो भाई कि ये जो मेरा नाम है ये मुझे उतना पसंद नहीं है। ये नाम भी मुझे थोड़ा सजेस्टेड ही था, पर ये मुझे बहुत मज़ेदार लगा था जब शुरुआत में मैंने जब अपना चैनल खोला था तो। और उससे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे चैनल का नाम जो ये ज्यूक बॉक्स गेमिंग है, ये जे वाली ज्यूक बॉक्स से बहुत ज़्यादा मैच करता है। इसलिए मेरा जो चैनल है, मेरी जो वीडियोज़ हैं वो भाई नॉर्मल गेमिंग वीडियोज़ में रिकमेंड होती नहीं है, वो सारे के सारे म्यूज़िक वीडियोज़ में होता है, क्योंकि ऐसा मैंने खुद देखा है अपने फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन में और फ्रेंड्स के फ़ोन में। इसलिए भाई सबसे बड़ा कारण मेरा यही था। और मेरे नाम में गेमिंग वर्ड ऐड करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि मेरे यूट्यूब पता चले कि हाँ मेरा चैनल गेमिंग चैनल है। पर इससे भी उतना बात नहीं बना, तो मैं सोच ही रहा था कि मैं अपने चैनल का नाम को चेंज करूँगा, क्योंकि भाई और भी देखो क्या क्या दिक्कत। पहली बात कि अगर मैं किसी फ्रेंड को बताता हूँ तो सबसे पहले उसे स्पेलिंग में भाई वो बहुत कंफ्यूज होता है, क्योंकि भाई मेरा नाम जो है पूरे यूट्यूब पर यूनिक नाम है, मतलब कि इसमें अगर आप एक लेटर छोटा बड़ा या आगे पीछे भी कर दो तो भाई मेरा चैनल नहीं आता। सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात तो ये भी थी एक। तो भाई यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से मुझे लगा कि भाई मुझे तो अपने चैनल का नाम चेंज करना है। और भाई मुझे इसमें ज़्यादा कुछ चेंज भी नहीं करना था, क्योंकि भाई मेरी आपने लास्ट सारी वीडियो में कुछ पहले वाले वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं अपने सारे वीडियोज़ में वाटर मार्क लगाता था, पता नहीं क्यों, पता नहीं दूसरे यूट्यूबर्स को देखकर मुझे भी आदत लग गया था इसलिए मैं लगाता। पर आप जब अगर कुछ मेरे पुराने वीडियोस को चेक करें उसमें मैंने वाटर मार्क लगाना छोड़ दिया। तो उसका कारण यही था कि मैं सोच रहा था कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज करूँगा, और भाई इतना ख़राब नाम भी नहीं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसी में कुछ कस्टमाइज़ कर दिया जाए और फिर कुछ नया कोई नाम किया जाए। तो भाई बहुत ही मशक्कतों के बाद, सोचने के बाद मुझे सबसे अच्छा नाम यही लगा है, देव जी बॉक्स गेमिंग। तो गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई मैंने अपने चैनल का नाम ये कैसे लगाया, ये बहुत मज़ेदार सी स्टोरी है। तो गाइस मैं सबसे पहले बहुत बिल्कुल जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, मैं अपने चैनल पर मैजिक ट्रिक सिखाता था। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ना देखें, भाई मत देखें, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल बुरा लगे। पर भाई बहुत मज़ेदार मैजिक ट्रिक करता था, अभी भी मैं भूल जाता हूँ कुछ कुछ डाई फ्रेंड्स वगैरह को दिखाने के लिए, तो मैं वीडियो आज भी अपने ही देखता हूँ तो भाई बहुत शर्म आती है कि भाई कैसे आवाज़ थी मेरे और कैसे कैसे मैं बोलता था। तो छोड़ो भाई वीडियो को छोड़ो, तो उस टाइम मेरा कुछ और ही नाम था। उसके बाद जब मेरे जो कुछ वीडियोस के बाद सबसे पहले बहुत जल्दी मेरे 50 सब्सक्राइबर हो गए, तो भाई मैं इतना खुश हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं बिल्कुल डेली वीडियोस अपलोड करते जाता था बिल्कुल डेली ही वीडियोस मैं अपलोड करते जाता था। फिर एक टाइम आया कि मैं बस कुछ बचा ही नहीं करने का, तो मैंने स्टार्ट किया था अपने सॉरी को की सीरीज़। तो मतलब कि समझ लो कि मैंने बिल्कुल गेम मतलब अपने चैनल की शुरुआत ही मैंने सॉरी को से की थी। तो उस टाइम मैंने सोचा कि लाओ भाई एक एक करके ये करो, और फिर मैंने जब मेरे पास कुछ नहीं बचा डालने को तो मैंने अपने चैनल को गेमिंग में कन्वर्ट कर दिया। पर जब उस टाइम मेरे 50 सब्सक्राइबर हुए थे तब मैंने सोचा कि मुझे अपना चैनल का नाम चेंज करना होगा, क्योंकि भाई जो पुराना नाम था वो तो सिर्फ मैजिक के लिए हो जाएगा और मैं अपने चैनल पर गेमिंग ही करता हूँ, तो कुछ ऐसा नाम जो कि दोनों में मैच हो जाए। तो भाई किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, इसलिए मैंने ये नाम रख लिया। तो उसके बाद कुछ दिन बाद भाई मुझे ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे आखिरकार अपना चैनल का नाम चेंज करना ही पड़ा। और गाइस यही मैंने रखा है अपने चैनल का नाम, जो कि मुझे तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं अपने चैनल में हर बार कुछ ना कुछ कस्टमाइज करते रहने का कोशिश करते रहता था, कि भाई कुछ बैनर वगैरह बनाते रहता था, पर मुझे हर बार बस एक ही चीज़ पसंद नहीं आती थी, वो मुझे अपने चैनल का नाम। वो मुझे थोड़ा बोरिंग सा लगता था, ज्यूक बॉक्स गेमिंग क्या है भाई, इतना बार मुझे चलाना पड़ता, कितना मज़ेदार सा बैड ऐसा नाम है जी बॉक्स गेमिंग। मतलब कि मुझे तो भाई बहुत खुशी हो रहा है कि अपने चैनल का नाम चेंज कर रहा हूँ। तो गाइस
मेरा मतलब कि चैनल का नाम का फुल फॉर्म तो भाई यही रहेगा जिप बॉक गेमिंग, पर मैं अपने चैनल का नाम ही चेंज करूँगा। जो मेरे पुराने व्यूअर्स है वो सिर्फ जानेंगे कि मैं चैनल का नाम क्या था। तो गाइस आप लोगों ने जान लिया तो जो था मेरे इस वीडियो में, और भाई वीडियोस आते रहेंगे, बस थोड़ा डिले हो जाता है एग्ज़ाम्स की वजह से। हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही एग्ज़ाम्स का बहाना करता हूँ, पर भाई क्या करूँ भाई, बोर्ड्स आ गए। और बात सबसे बड़ी ये है कि मैं हूँ नाइन्थ में बोर्ड। छोड़ो भाई छोड़ो, स्कूल वालों का कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करें ज़रूर बताइएगा। कोई न्यू सजेशन है मेरे चैनल के लिए तो मैं उसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, तो वो आप लोग डेफिनेटली कमेंट करके बताना। आपका कोई फेवरेट गेम है जो आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर खेलूँ, वो भी आप लोग मुझे कमेंट करें ज़रूर बता देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।